हमारी जो सरकार है इस समय वो केवल लेना ही लेना जान रही है, और जो हमारा मेन बेस है कारीगर, कारीगर की तरफ हमारी सरकार का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। पहले 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब कुछ छोटी छोटी स्कीम्स होती थी, योजनाएं, जैसे राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें जो हमारा छोटा आर्टिजन था, शिल्पी था, उसको 15,000 रुपए तक का इलाज मिलता था। अगर मान लीजिए वो कारीगर या वो सप्लायर दिवालिया भी हुआ, किसी भी नुकसान हुआ, तो सरकार ने उसको माफी में दे दी। पहले डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे उनको हेल्थ कार्ड का बेनिफिट मिलता था, बीमा मिलता था, वो सब चीजें सरकार ने बंद कर दी। लोगों ने हाथ बांध रखे, हम अपना ही माल बेचने के बनाने के लिए चोर बन जाते हैं, लोग गवर्नमेंट देखती चोर की निगाह। जब से GST लागू हुई हमारे कागजों का खर्चा ज्यादा पड़ गया। हमारा एक्सपोर्ट पे GST नहीं था, अभी क्या है कि पहले वैट लगा, अब उसके बाद GST 18% हो गया, तो ये सब चीजें थोड़ा सा कारोबार को पीछे कर रही है। जिन चीजों पर भारत सरकार को सोचना चाहिए था, नीचे से स्टडी करनी चाहिए थी, वो सरकार नहीं कर रही। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारी कंट्री में, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे शहर का विकास होना चाहिए। न्याय यात्रा से सर लोग राहुल जी की तरफ प्रेरित हो रहे हैं कि वो उनसे खुश हो रहे हैं, उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए और राहुल जी के नेतृत्व में फिर सरकार बने, ये स्कीमें फिर से वापस आ जाए।